الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين أشير أيضا اللهم صل على محمد وآل محمد 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 أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد میں آج انگریزی میں بیان نہیں کروں گا اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ آواز میری تھک گئی ہے لہذا اس پر زیادہ زور نہیں دینا چاہتا اور دوسرے یہ ہے کہ میں جس موضوع کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ وقت چاہتا ہے چونکہ اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے اور بہت سے ماشاءاللہ حضرات خلاف امید موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس گزارش کو آپ کے سامنے پیش کروں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی خاص ضرورت ہے خداوند کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر اللہ مثال دے رہا ہے اللہ اگزامپل دے رہا ہے ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبہ ایک پاکیزہ قول ایک پاکیزہ کلام کی مثال دے رہا ہے مثال کیا ہے کہ شجرتن طیبہ وہ ایک پاکیزہ درخت اور ٹری کی طرح ہے اصلہا ثابت جس کی جڑیں اور روٹس مضبوط ہیں وہ فرعہا فی السماء جس کی برانچز اور شاخیں جو ہیں وہ پھیل چکی ہیں آسمان تک تُعْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا اس کی طرف سے جو پھل نکلتا ہے وہ ہر زمانے میں آ رہا ہے اللہ کی اجازت سے آپ تعجب کریں گے کہ قرآن کی کومنٹری لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا ہے شجرتن طیبہ پاک درخت کون سا ہے کسی نے کھجور کا درخت لکھا ہے بہت میجورٹی نے لکھا ہے یہ کھجور کا درخت اس لیے کہ عربستان میں رہتے تھے کھجور کسی وقت دیکھا ہے بعضوں نے لکھا ہے کہ یہ گریپس مراد ہے گریپس کا جو بیل چڑھتا ہے وہ بعض نے لکھا ہے رمان یعنی داڑھ اچھا اس کے بعد خداوند کریم فرماتا ہے کہ اصلها ثابت وفرعها في السماء شاخیں آسمان تک پھیلی ہے تو اگر شاخ آسمان تک پھیلی ہے تو کھجور کہاں آسمان تک پہنچتا ہے اور
जिन लोगों ने ग्रेप्स देखे हैं वो जानते हैं ग्रेप्स का दरख्त नहीं होता, ग्रेप्स के की बेल होती है, वो फैलती है, उसको फैलाने के लिए इंतजाम करना पड़ता है, वो कहां आसमान तक पहुंच गया। और इसी तरह से दाड़म और पोमग्रेनेट की जो दरख्त हैं वो भी, और कोई भी दरख्त आसमान तक नहीं पहुंचता। मुख्तसर यह तुअती उकुलहा कुल्लहीन, उसका जो फल है वो हर जमाने में मिलता है। अब इसकी भी फिक्र पड़ गई, बाज कमेंटेटर्स ने लिखा है कि वो इससे मुराद है साल में दो मरतबा, बाज ने लिखा है साल में एक मरतबा, बाज ने लिखा है कभी कभी, बाज ने लिखा है रोजाना। आज तक कोई दरख्त ऐसा पाया नहीं जिसके फल रोजाना मिलता हो। मौसम पर एतबार भूल गए कि खुदावंद करीम ने फरमाया है तुती उकुलहा कुल्लहीन बिइज़्नि रब्बिहा, और एक मुफस्सिर जो बहुत ही फहम और फहीम और दूररस समझदार था, यानी जब थक गया वो कि ना खजूर पे मुंतबिक होती आयत, ना नारियल पर, ना दाड़म पर है, ना किसी पर, तो उसने ये लिखा है कि ये एक इमेजिनरी एट्रीब्यूट है, अल्लाह ने एक मिसाल दी है, उस मिसाल से कोई दरख्त मुराद नहीं, इसलिए कि इस किस्म का दरख्त कोई है ही नहीं, बस अल्लाह ने एक मिसाल दी है। वो वहां बैठे बैठे खुदावंद करीम जन्नत में काम नहीं था तो उसने एक कुरान की आयत उतार दी, वो मुसलमानों के कमेंटेटर से लिखा है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे दोस्तों कि जब हम कहते हैं कि जिसके घर पे कुरान उतरा हो उससे पूछो, तो लोग हमारे सामने आंखें निकाल के पूछते हैं क्यों, हम क्यों ना कहें साहिबुल बैत अदरा बिमा फिल बैत, घर वाला घर की बातें ज्यादा जानता है, इस पर तो कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात जो यहां उर्दू अदब से ताल्लुक रखते हैं या इंग्लिश लिटरेचर से, वो जानते हैं कि शायर का भी कलाम, अगर वो शायर पोएट हो तो माफी जमीर क्या है वो शायर ही कहेगा, यानी शायर ही कह सकता है कि उसके असल ध्यान में कौन सी बात थी जो उसने कही है। लोग शरह पर शरह, कॉमेंट्री पर कॉमेंट्री लिख लेते हैं, मगर जब शायर खुद बैठता है तो कहते हैं भाई मैंने ये सब नहीं समझा था, मैंने जो चाहा था वो ये था। आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं माफी बतन शायर, माफी ज़मीर शायर, माफी ज़मीर القائل। तो सारी दुनिया की मेहनत एक तरफ है भाई, जिस घर में कुरान उतरा है उसी को पूछो कि खुदावंद करीम ने तुम्हें कहा क्या है। तफसीर अय्याशी में है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मसल कलिमती मसल कलिमतन तय्यिबा जो है वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, का शजरतिन तय्यिबा जो है वो दरख्त जो है वो दरख्त से मुराद खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असलुहा ताबितुन जिसकी जड़ जमीन में मुस्तहकम है, इससे मुराद अहलुल बैत है, फरुहा फिस समा से मुराद विलायत आले मोहम्मद। मगर एक बात रह गई, इस विलायत का तमरा जो है वो हर जमाने में रहेगा खुदा के हुक्म से। अब मैं सुन जो कहना चाहता हूं वो सुन, वो तमरा क्या है। इसके सिवा सारे उलमा की तफसीरों को उठा के देखिए, गड़बड़ के सिवा कुछ भी नहीं। देखिए हम पर जो एतराज है वो ये है कि तुम शिया कब से हुए, और मैं इस बात का हमेशा हामी रहा हूं
कि अगर कोई शख्स किसी से सुलह भी करना चाहे तो अपनी कमजोरी ना बताए, अपनी कुव्वत बताए, इक्वल पार्टनर के तौर पे सुलह करे। बराबर है, ठीक है कि नहीं? बराबर बन के सुलह करते हैं, कमजोर बनकर सुलह नहीं करते। कमजोरी से सुलह करे इसका मतलब हार के, बराबर के रहे और इसके बाद सुलह करते हैं। तो अगर मुसलमानों में भाईचारा और कुव्वत की तबलीग हो रही है, हम कहां मुखालिफ है? हम इतना कहते हैं कि अपने हकाई को कुर्बान करके भाईचारा न कीजिए, अपनी कुव्वत बाकी रखिए और फिर हाथ बढ़ाइए। समझ रहे हैं? कमाल है, आपसे कहा जाए कि आप उम्मत के यहूदी हैं, शिया, आप खामोशी। अभी अभी ताजा किताब इंग्लैंड में फिर रही अरबी में, अल मजूसिया फिल अहद अल जदीद, इस जमाने के मजूसी अशिया, इतनी बड़ी किताब। हम गाफिल, भाईचारा करना चाहते। हमसे यह कहा जाता है कि तुमको यहूदियों ने बनाया अब्दुल्ला इब्ने सबा, हम खामोश हैं। हमसे कहा जाता है कि तुम अली इब्ने अबी तालिब और अहले बैत की मोहब्बत में गुलू करते हो, यानी एक्सेस तक जाते हो, एक्सट्रीम तक, और उसको खुदा मानते हो, हम खामोश हैं। हमसे कहा गया कि तुम ये मानते हो कि फरिश्ता जिब्रील नबूवत अली के लिए लाया था, भूल से मोहम्मद को दे दिया, हम खामोश हैं। अब सऊदी अरब कह रहा है कि ये तो कुरान में ही नहीं मानते, इनका कुरान 40 पारों का है, ये 30 पारे का कुरान इनका नहीं है। मैं पूछता हूं, कुरान पारों में उतरा कब था जब 40 या 30 होता? कुरान तो पारों में उतरा ही नहीं, कुरान सूरों में उतरा और आयतों में उतरा, मगर हम हैं जो खामोश हैं। हर वक्त हमसे कहा जाता है कि देखिए बस उखुवत चाहिए। अब हमसे कहा जाता है कि अब या हुसैन भी न कहो, गिर जाओ तो उठते उठते या अली भी न कहो। जी ये सब कुफरियात हैं। अच्छा, ये बुतपरस्त कौम इसलिए कि सजदगाह सजदा करते वक्त सामने मूर्ति रखते हैं, कोई रखता है? हम खामोश हैं सिर्फ इस बहाने पर कि भाईचारा चाहते हैं, और अकीदा कमजोर होता चला जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि अपने अकीदे को मजबूत करके उनसे कहिए कि आइए हम भाईचारा करते हैं एज इक्वल्स, नहीं है कि हम तुम्हारे सबोर्डिनेट से, हम जानते ही नहीं, जो कुछ भी है वो मुल्ला को पता है या मौलवी को पता है, हम तो कुछ जानते नहीं, जो भी आप कहो ठीक है। तो सवाल ये पैदा हुआ है, पहला एतराज, और इस पे वक्त जाएगा, मगर ये मजलिस जो मैं पढ़ रहा हूं आज, अगर कोई इसकी कैसेट और टेप को अपने पास रखे हमेशा के लिए, एक डॉक्यूमेंट जो मैंने मेहनत की है वो मैं पेश करना चाहता हूं। इसलिए बगैर मेहनत के पढ़ने की आदत मेरी नहीं है, मुझे कितनी तकलीफ होती है एक मजलिस के पीछे वो मेरा जी जानता है कि मुझे कितना सोचना पड़ता है मजमून को तरतीब देने के लिए। मैं बगैर तैयारी के मीटिंग अबाउट द बुश का कायल नहीं। तो सुनिए दोस्तों, पहला एतराज यह है कि पैगंबर शिया थे या सुन्नी? अगर दोनों में से एक भी नहीं थे तो आप लोग कहां से फूट पड़े? सवाल यह है, पैगंबर के जमाने में दीन कौन सा था? दीन इस्लाम, कोई मजहब था? नहीं था। तो आप कहां से निकल आए? ये एक, इसको कहते हैं लॉजिक में कहते हैं ऐसा सवाल जो मुगालते में डाल दे, यानी पहले से सवाल ऐसा फ्रेम करते हैं कि सामने वाला जो है वो कंफ्यूजन में रहे, इसको कहते हैं मुगालता। यानी अगर जवाब में आप कहो कि इस्लाम है तो फिर आप कौन हैं? तो मैं अर्ज करता हूं कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई, अगर कोई पूछे कि दिन को पूछे कोई कि दिन तू कब आया, दिन डे, उसको कोई पूछे कि तेरी पैदाइश कब हुई, तो उसका जवाब ये होगा कि मैं कब न था, ये तो आफ्ताब छुप गया तो मैं न था, वरना मैं हर वक्त हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा? आफ्ताब छुप गया वरना मैं तो हूं, दिन ही दिन हूं। बात सिर्फ इतनी है कि आज के जमाने में
उनको पहचानने के लिए जो कि अली वाले हैं नाम शिया इस्तेमाल हुआ, और जो अली के खिलाफ जाके दूसरे वाले हो गए उनके वास्ते अहले सुन्ना हुआ। दीन वही इस्लाम है, और मैं साबित करता हूं कि पैगंबर अकरम ने अली की मोहब्बत और अली की विलायत के सिवा किसी की विलायत और किसी की मोहब्बत वाजिब नहीं की। अहले तशय्यु के दुश्मन अव्वल, शिया के पहले नंबर के दुश्मन इब्ने हजर मक्की अपनी किताब में लिखता है कि पैगंबर की ये हदीस मोतबर है और सही है। या अली अंता व शियातुका फिल जन्नत, या अली आप और आपके शिया जन्नत में होंगे। तो लफ्ज शिया का कॉन्सेप्ट लेटर डेवलपमेंट नहीं है, पैगंबर की जबान से निकला हुआ लफ्ज है। या अली आप और आपके शिया बहिश्ती है और जन्नत में है। फर्क यह है कि इब्ने हजर मक्की इसके बाद लिखते हैं कि वो शिया हम हैं, यानी वो अहले सुन्नत वाले कहते हैं कि आप वो शिया हम हैं, हम कहते हैं मुबारक, कम से कम इतना तो कबूल करते हो। कॉन्सेप्ट क्या है? पाकिस्तान के मुअर्रिख गिलानी साहब एक अजीब किताब लिखी है, वो किताब लिखते हैं और टाइटल भी अलग अलग लिखते हैं, दो इस्लाम दो कुरान इस किस्म की। तो एक किताब उर्दू में लिखी उन्होंने भाई भाई, मुसलमान के दो बड़े फिरके हैं शिया और गैर शिया, इनको भाई भाई करार दिया, उम्दा किताब। हमने वो किताब पढ़ी, समझ में एक बात नहीं आई कि उन्होंने दो लिस्ट कायम किए, एक ऊपर लिखते हैं पैगंबर के शिया सहाबी और दूसरे लिस्ट में लिखते हैं पैगंबर के गैर शिया सहाबी। मैं पूछता हूं कि सहाबी कहते हैं उसको जिसने कि पैगंबर को देखा हो, पैगंबर के साथ रहे हो, तो इसका मतलब कम से कम इतना तो मानते हो कि सहाबी रसूल में कुछ शिया थे और उसमें अबू ज़र ग़फ़ारी, सलमान फारसी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, मिक़दाद इब्न अस्वद, बिलाल इब्न रियाह, इन सबको लिखा ये शिया सहाबी हैं और बाकी हजरात किराम को सुन्नी लिखा। और नीचे लिखा कि ये इसलिए शिया थे कि ये अली इब्न अबी तालिब के इश्क में मस्त थे। तो हम अपने आप को दीने इस्लाम ही कहते हैं। लफ्ज दो हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते वक्त कंफ्यूजन करते हैं, एक है लफ्ज दीन, एक लफ्ज मजहब। मेरा और आपका दीन इस्लाम है, मजहब शिया है, दीन शिया नहीं है मेरे दोस्त। जब इस्तेमाल करो लफ्ज को समझो, दीन दीन इस्लाम है। जब तलकीन देते हैं तो मलाइका जब आएंगे तो पूछेंगे वमा दीनुका, तो क्या कहते हैं? वकुल फी जवाबिहिमा अल इस्लाम दीन, कह दो उनके जवाब में कि मेरा दीन इस्लाम है। तो दीन हमारा इस्लाम है, मगर दीन के अंदर चूंकि इतने फिरके पड़ गए, हम बताना चाहते हैं कि हमारा मसलक हमारा मजहब वो है जो अली के जरिए से पैगंबर तक पहुंचा। आप समझ रहे हैं? मगर तमाशा ये है कि मैं चाहता हूं फिर रिपीट करता हूं कि अगर याद में याददाश्त नहीं रख सकते तो कम से कम इस कैसेट को अपने पास रखें, जो मुझे उम्मीद है कि है, खाली नहीं है। तो हमसे पूछते हो कि तुम कब से हो, अब सुनिए, अल्लामा हिल्ली का जमाना है, खुदा बंदा अल जायतू ये मंगोलियन एम्परर तीसरा चौथा। मंगोलियन ने तो तबाही कर दी थी, मंगोल्स ने तो बगदाद को तबाह कर दिया, मगर जू जू उनकी बादशाहत बढ़ती गई तो तीसरे चौथे पे आके मुसलमान खुद हो गए। खुदा बंदा अल जायतू इसकी बीवी थी गौहरशाद, जो लोग खुरासान गए हैं और जो नहीं गए ज्यादा जाएंगे,
मशहद मुकद्दस में हरम सहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दाखिल होते ही एक मस्जिद है, मस्जिद गौरशाद, बहुत बड़ी मस्जिद गौरशाद, मलिका का नाम है, क्वीन का नाम। इस बादशाह ने अपने मजहब के मुताबिक अहले सुन्नत के गौरशाद से नाराज हो गया, वो कुछ तीन तलाक साथ मिले, अहले सुन्नत में तीन तलाक हो जाती है बैक वक्त, हमारे यहां नहीं होती, कुरान में नहीं होती। अत्तलाक मर्रतान फइमसाकुम बितस्रीहिन औ इहसान, कुरान की सीधी खुली आयत होने के बावजूद शियों के सिवा सारे मुसलमानों के यहां तीन तलाक एक वक्त हो जाती है, हमारे यहां नहीं होती, हमारे यहां एक वक्त में एक तलाक होती है, मगर अगर तीन तलाक हो जाए तो वापस नहीं आती बीवी, मालूम है ना। इनके यहां तीन तलाक, उसने एक साथ बैठकर गुस्से में तीन तलाक पढ़ दी, और गुस्से में हमारे यहां तलाक वाकई होती नहीं, उनके यहां हो जाती है, तीन तलाक साथ में पड़ी, कहा जा तलाक देने के बाद अब पछताया कि ये तो रानी गई, जिनके साथ बसेरा किया, इतनी मोहब्बत है, ये गुस्से में मैंने किया है, तो अब उलमा को बुलाया, खुद के उलमा हमारे नहीं, और कहा कोई लूप होल है, तुम जरा सोचो कोई लूप होल हो तो ये बीवी हमारी वापस आ जाए, हर एक सोच रहा है आपने क्या कहा, मैंने ये कहा, आपने क्या, ये नहीं आ सकती है वापस। तो उसने बेचारे ने मजबूर होकर कहा कि कोई फिरका और इस्लाम का है, ये चार ही है बस, कोई दूसरा इस्लामी मकतब ख्याल और स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, तो अब बादशाह के सामने क्या बोलते कि एक पागल सा है, कौन वो है, उसका नाम है हसन इब्ने मुताहर हिल्ली, अरे अल्लामा हिल्ली की बात, कहेंगे उसको भी बुलाओ। अब अल्लामा हिल्ली को बुलाया गया, अल्लामा हिल्ली को कदिया मालूम कि ये हुआ है, आए वो, बहुत मशहूर किस्सा है, मगर मैं जो कहना चाहता हूं वो सुनिए बस, नतीजा मेरा है, किस्सा मशहूर है। जब दरवाजे पर पहुंचे अल्लामा हिल्ली कोर्ट के दरबार के, तो जूता अपना उठा के बगल के नीचे रखा, हालांकि ऐसा तो होता ही नहीं, यहां भी कोई आदमी आए तो कहेंगे मैं निकल बाहर, जूता बाहर रख के, और आके बादशाह के पास एक आदमी कुर्सी जो इधर खाली थी वहां आके बगैर बताए, कोर्ट में दरबार में जहां आपको बिठाते हैं वहां प्रोटोकॉल होता है भाई, तो जहां भी आए वहां बैठ गए, बैठ गए तो अब वो जो दूसरे उलमा थे वो आपस में जेर लब मुस्कुराने लगे कि देखो पागल ही आया है, जूता बगल के नीचे है, और कहां बैठना उसको बताया गया नहीं, हो हजरत बैठ गए, मगर बादशाह को तो सब्र करना था, कहा हुजूर आपको बुलाया इसलिए है कि आपका वो कौन सा फिरका है, आपका वो कौन सा मजहब है, आपका वो कौन सा मकतब ख्याल है। एक घंटे तक अल्लामा हिल्ली ने नहजुल बलागा का खुतबा पेश करके तौहीद अली इब्न अबी तालिब समझाने के लिए कि हमारी तौहीद क्या है, और दम बखुद होके सब सुनते रहे, और जब खत्म हुआ इसके बाद बैठ के कहा यह है हमारा हमारी तौहीद, कहे तो आप तो पक्के, आपकी तौहीद तो बालतर है, अच्छा यह तकलीफ है, यह मुश्किल है, अभी कुछ वो बयान करें। इसे एक साहब खड़े हुए, कहने लगे हुजूर ये डींगे मारते हैं मगर इनको अकल कहां ठिकाने में, देखिए इनको अदब भी तो नहीं है, कौन सा मजहब है, जूता बगल के नीचे दबा के आए हैं ये जानते नहीं। तो अल्लामा हिल्ली ने जवाब में ये कहा था कि हुजूर मैं क्या करता, मैं क्या करता, पैगंबर के जमाने में अस्हाब के जूते जो हैं वो अबू हनीफा के मांगने वाले जो होते थे ना वो चुरा जाते थे, तो आलिम हनफी खड़े होकर कहता है ये देखिए झूठ पर झूठ बोल रहा है, एक तो चोरी और फिर सिरजोरी। आप देखिए इमाम अबू हनीफा तो पैगंबर के जमाने में थे ही नहीं, उनकी बर्थ डेट है 80 हिजरी, 80 हिजरी 80, पैगंबर की वफात है 11 हिजरी, नियरली 70 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द वहां हनफी था। अल्लाह मैली ने कहा वो ठीक है सॉरी डाली मगर मैं भूल गया, शायद मालिकी होगा। खड़े होकर इमाम मालिक के मानने वाले ने कहा वो भी नहीं थे, उनकी पैदाइश भी बाद में हुई है, तो काफी कोई नहीं, तो शायद इमाम शाफी के मानने वाले होंगे, तो
तो कहने लगे इमाम शाफी तो 150 हिजरी में पैदा हुए। जिस दिन अबू हनीफा का जनाजा निकला है उसी दिन मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफी पैदा हुए, सेम डे। तो कहा फिर, कहा तो शायद हम्बली होगा, अभी चार में से एक तो होगा। तो अहमद हम्बल के मानने वालों ने कहा हम तो शाफी के भी बाद हैं। भाई क्या ये जो भी मुंह में आता है बोलता है। जब ये बात कही तो अल्लामा हिल्ली ने खड़े होकर कहा हुजूर जिनके इमाम 80 साल के बाद पैदा हुए, जिनके इमाम 150 साल के बाद पैदा हुए, वो हमसे पूछ रहे हैं जिसका इमाम खान है कहां पे पैदा हुआ। और पैदा होते ही आगोश नबूवत में पहुंचकर जिसने आंख खोली, अरे जिस इमाम ने खाने काबा के बुतों को न देखा उसके मुतालिक पूछते कि तुम कब से हो, हम तुम्हें पूछते कि मियां तुम कहां से निकल पड़े। फैक्ट्स है, हिस्टोरिकल, फिक्शन नहीं है। कोई आके देखना चाहे तो खुद देख ले, न मिले उसको तो हमसे पूछे हम बता दें। कितनी अजीम चीज है। दूसरा एतराज, ये पहला एतराज, कब से हो? हम उस दिन से हैं जिस दिन से इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा उतरा, उस दिन से हम आए। हम उस दिन से हैं जिस दिन से आयत उतरी इन्नमा वलियुकुम अल्लाह, हम उस दिन से हैं जिस दिन से अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम उतरा, हम उस दिन से हैं जिस दिन या अय्युहर रसूल بلغ ما انزل اليك من ربك, هم اس دن سے ہیں وآتِ ذا القربى حقہ, ہم اس دن سے ہیں جس دن قرآن نازل ہوا, ہم اس دن سے ہیں جس نے خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہی زبان جو کھولی تو قرآن مجید کی تلاوت اس وقت کی ہے جب قرآن ابھی نازل نہیں ہوا۔ ہم سے پوچھتے ہو کہ تم کب سے ہو؟ بھائی ہم کو جب پوچھتے ہو تو بحیثیت ہندوستانی پاکستانی ہوجے کے نہ پوچھو, हमसे जब पूछते हो तो भाई से शिया के पूछते हो। भाई कौमें तो बहुत सी होती हैं, पहले हिंदू थी, पहले क्या थी, फिर मुसलमान हुई, यूं ना पूछा करो, पूछो यूं कि तुम्हारा मसलक कहां से आया, तो हम बता दें कि तुम्हारे इमामों के पैदा होने से पहले हमारा मसलक मौजूद था। फर्क इतना है कि हमने मुआविया के हाथ बेअत दी, आप लोगों ने की, हमने नहीं। दूसरा एतराज यह है कि सहाबा को बुरा कहते हैं, बराबर सुनिए, थकिए नहीं और खुदारा सोइए, इसलिए कि स्कॉलेस्टिक ट्रीटमेंट है। और मेरा दावा है एक बात गलत अगर मैंने इधर से इधर कही तो आप आके मुझे पकड़ सकते। और ये टेप जहां जहां पहुंचानी हो कोई कॉपीराइट नहीं है, दीन का मामला है, दीन के मामले में कॉपीराइट क्या? पैगंबर के सहाबा को बुरा भला कहते हैं हम, आप क्या होना चाहिए था? होना यह चाहिए था कि कुल्लुहुम अदूल, सब सहाबा आदिल थे। ये हमको कहा जाता है कि मानो कि सारे कंपेनियंस आदिल थे। वफी अम्र सहाबा अस्सुकूत, और सहाबा के मामले में कुछ बोलो नहीं। अब मैं एक बात कहता हूं, जुमला सुनिए, उर्दू में है, तारीख है, लिखी हुई तारीख, फुला सन में यानी फुला ईयर में हुजर बिन आदि रवी अल्लाह अनहु को अमीर मुआविया रवी अल्लाह अनहु ने शहीद किया। आप समझते हैं क्या बात मैंने कही? हुजर बिन आदि एक सहाबी है, उसके लिए रवी अल्लाह अनु अल्लाह उससे राजी हो, उसको अमीर मुआविया रवी अल्लाह अनु ने शहीद किया, यानी शहीद होने वाला भी रवी अल्लाह और मारने वाला भी रवी अल्लाह। ये इनका फलसफा है और हमसे कहते हैं कि मचा पीटे स्वाइली में कहते जो है बहुत खराब है मेंबर पर, मैं उसको तो नहीं कह सकता हूं, मगर इतना कह सकता हूं कि आखिर में यह है कि माचे अब पीठ गुजर जा रहे हैं, कैसे गुजर जाए। तो मैं अब एक बात कहता हूं,
पैगंबर की वफात के 3 दिन बाकी है। सुनिए, जंगे मूतह के लिए लश्कर तैयार हो रहा है। जंगे मूतह, मीम वाव ता हा मुतानी, मूतह मीम वाव ता हा, जंगे मूतह, मूतह की जंगली होती है, मूतह की सुलह होती है। चलो बात करो, उसामा इब्ने उसामा बिन ज़ैद जवान आदमी है, उसको लश्कर का सरदार बनाया और मदीने में जितने भी सहाबा थे सबको कहा कि जाओ लश्कर उसामा में ज्वाइन हो जाओ और आगे बढ़ो। पैगंबर बीमार है, अब वो उसामा मदीने के बाहर खड़ा है स्टैंडर्ड लेकर, लश्कर आ रहा है, कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। एक दो बुजुर्ग साहबी जिनको मालूम हुआ कि पैगंबर बीमार है तो वापस चले आए। वापस आए तो पैगंबर ने जब आंखें खोली कहा, क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया था कि तुम चले जाओ? तो कह लगे आप बीमार हैं इसलिए हम ज्यादा कंसर्न है, एंग्जाइटी है। कहा मैं हुक्म देता हूं जाओ। गए गए वहां तो उसामा को मालूम, उसामा भी वापस आया, यार रसूलल्लाह जाए आपकी हेल्प। कह लगे मैंने हुक्म कहा जाओ, जाओ और मुसलमानों से कहो कि लश्कर के साथ जाए। जंगे मूतह नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। और पैगंबर की स्ट्रेटजी क्या है कि ये जो यहां है यहां न रहे, मदीने के बाहर हो। हालांकि पैगंबर जानते थे कि अब वफात करीब है। सुनिए ये तारीख है। और ये वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। जाना किसी को नहीं है, बहाना पैगंबर की बीमारी है। मैं कहता हूं कि पैगंबर का हुक्म मुकद्दम है या बीमारी मुकद्दम है? पैगंबर का हुक्म मुकद्दम। जब क्या हुआ, जब पैगंबर अकरम बिल्कुल नाराज हो गए तो फरमाया है लअन अल्लाह मन तखल्लफ अन जैश उसामा, उसामा के लश्कर से जिसने मुंह फेरा उस पर खुदा की लानत है। यह हदीस मुत्तफक अलैह है। तो मेरा जवाब यह है कि हम उन सहाबा को बुरा भला कहते हैं जिनको पैगंबर ने बुरा भला कहा, बाकी हम कुछ नहीं। इस फहरिस्त में जो आ गया उसको हम कह सकते हैं, इस फहरिस्त में जो नहीं आया उसको हम बुरा भला कहें, क्यों? हमारे बाप को किसी ने खाया नहीं। मगर पैगंबर ने जब कहा लअन अल्लाह मन तखल्लफ अन जैश उसामा, लानत है खुदा की उस पर जिसने उसामा के लश्कर से मुंह फेरा है। सब आ गए जितने भी थे उस जमाने में जिनको हुक्म हुआ था कि जाए और न गए। अब हमसे ना पूछो कौन कौन थे, हम नाम नहीं लेंगे। आप खुद तारीख उठा के देखिए कि कौन कौन थे, फिर हमसे कहिए कि आप क्यों बुरा कहते हैं जिस पर पैगंबर की लानत उतर चुकी हो। तो हमें क्या गुनाह, हमारा कौन सा? पैगंबर खुद कहते खामोश रहो मेरे साहबा है, सब उदूल है। कहां से उदूल होते? तीसरा एतराज, ईरानियों का धर्म है, मजहब शिया ईरानियों का धर्म है। सफवी बादशाह जब आया ना, सफवी हुकूमत जब आई ईरान में, इंट्रोड्यूस किया है इसको, ये ईरानियों का धर्म था जो इन लोगों ने ले लिया। मैं अर्ज करता हूं कि सफविद एम्पायर की हिस्ट्री किसी ने पढ़ी है या ठोकम ठोक जो भी मुंह में आया बोलते? सफवी एम्पायर शुरू हुई है 17th century की आखिर में, हिजरी नहीं, ईसवी। उससे पहले पूरा ईरान सुन्नी उल मजहब था। तो 17th century में सफवी एम्पायर आने के बाद मजहब शिया पैदा हुआ, जो कोई बात है। तो मैं अर्ज करता हूं आप सुनिए कि ईरानियों का धर्म अगर है तो हजरत बुखारी को क्या कहेंगे, वो ईरानी थे, सही बुखारी के मुअल्लिफ ईरानी, सही मुस्लिम के मुअल्लिफ हजरत मुस्लिम नेशापुरी ईरानी थे, अबू हामिद अहमद इब्ने अहमद, अहमद इब्ने मोहम्मद गजाली और मोहम्मद इब्ने
صاحب تفسیر کبیر ایرانی تھے، سجستانی ایرانی، تختازانی ایرانی، جی کہیے میں کتنے گنواؤں آپ کے بڑے بڑے علماء کرام جن کے ہم بھی احترام کریں گے کہ کام تو کیا ہے انہوں نے، سارے کے سارے ایرانی ہیں 90%، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی عرب نہیں تھے۔ تو اب اگر آپ کا مذہب ایرانیوں کا مذہب نہیں کہلاتا تو ہمارا کیوں کرایہ لگا؟ کوئی انصاف ہے؟ بات اتنی ہے کہ ایرانیوں نے محنت کی ہے، ایرانیوں نے علماء پیدا کیے ہیں، ایرانیوں نے قربانی کی ہے، اسی لیے علماء زیادہ دونوں طرف کے عرب سے بھی زیادہ ایرانی ہیں۔ صفوی امپائر تو ابھی کل کی بات ہے بھائی، اور وہ صفوی بھی ایرانی نہیں تھے۔ کمال تو یہ ہے، پہلا اسماعیل شاہ جو بادشاہ تھا صفوی کا، اس نے کہا تھا کہ میں شیخ صافی ایک صوفی کا ماننے والا ہوں، ان کے نام مبارک سے میں اپنی حکومت کا نام صفوی رکھتا ہوں۔ خود امام موسیٰ کاظم کی اولاد کیا دعویٰ کرتے تھے ہونے کے، لہذا وہ بھی سید عرب تھے، ایک عرب صوفی بصوفی کی نقل کر کے اور ان کی تاسیس کر کے صفوی بادشاہت کی تاسیس کی ہے، لہذا وہ بھی عرب ہے، وہ بھی ایرانی۔ تو کیا ہوا؟ نہیں نہیں، آپ یہودی ہیں، عبداللہ ابن سبا، وہ امام کے زمانے میں تھا، عبداللہ ابن سبا یہودی، وہ مسلمان ہوا اور اس نے اس کے بعد یہ سب باتیں شروع کی۔ کمال یہ ہے کہ اگر میں آپ کی طرف سے پیش کرتا تو آپ کہتے کہ آپ تو بائز ہیں ہی، مگر ڈاکٹر طہٰ حسین، ایجوکیشن منسٹر آف ایجپٹ، ڈاکٹر طہٰ حسین الفتنۃ الکبریٰ لکھی اس نے دو جلدوں میں، علی وبنوہ اینڈ عثمان، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ڈاکٹر طہٰ حسین اہل سنت والجماعہ لکھتا ہے، بلکہ وہ تو کہتا میں مسلمان بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ ایگنوسٹک تھا، ایتھیسٹ تھا، وہ لکھتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا تاریخ اسلام میں گزرا ہی نہیں، ایک فکشنل فیگر، فکٹیشس فیگر ہے، کوئی آدمی ایسا تھا ہی نہیں، لوگوں نے مذہب اہل بیت کے خلاف دشمنی میں ایک آدمی کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے بعد جو اب تحقیق ہوئی تو انڈورسڈ ہو گیا کہ عبداللہ ابن سبا جیسا کوئی آدمی تھا ہی نہیں۔ اعتراض، مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے، یہ شیعہ تین مرتبہ پڑھتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید ہے، اس پہ کوئی بتا دے مسلمان کے پانچ وقت کی نماز واجب، بس وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ نماز پانچ ہیں، وقت تین ہیں، کوئی بتا دو کوئی مسلمان جو ہم پر اعتراض کرے، نمازیں پانچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح، کوئی قرآن مجید سے بتا دے کہ وقت پانچ ہے، گھبراتے کیا ہو؟ جب کوئی پوچھتا ہے تو پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ ہم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب آسمان پر آفتاب اپنے میریڈین سے ہٹ جائے نماز پڑھو، پہلی نماز ظہر ہوگی، اس کے بعد نماز عصر، الی غسق اللیل جب رات ہو تو پہلی نماز مغرب کی پڑھو گے، پھر عشاء کی، وقرآن الفجر صبح کی نماز، ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ ملائکہ اس کی گواہی دیتی ہے، کیوں وہ بھی سمجھا دوں تاکہ گڑبڑ نہ ہو۔ لؤلؤ الاخبار اور جامع الاخبار میں یہ ہے کہ یہ ملائکہ جو خداوند کریم نے ہمارے اوپر رکھے ہیں، جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، رات کے الگ ہیں اور دن کے الگ ہیں، جب رات کے ملائکہ دیکھتے ہیں کہ بندے خدا نماز صبح سے پہلے اٹھا ہے، جی خدا توفیق دے بس، جی تو آخری عمل کیا لکھیں گے وہ؟
आखिरी अमल लिख गया किताब कि हमने इस बंदे को नमाज सुबह की दो रकात पढ़ने की तैयारी में देखा और गए। अब जो नए मलाइका ने रिज्यूम किया वो क्या लिखेंगे, पहला अमल हमने देखा कि दो रकात नमाज इसने पढ़ी है तो दो रकात पढ़ता है और चार लिखे जाते हैं इन कुरान फजी का ना मशहूदा सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। ये फायदा है, जाने वाले ने भी लिखा आने वाले ने भी लिखा, अल्लाह की रहमत है। याद रखिए मेरे दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जिस पर गौर कीजिए, कुरान में नमाज का वक्त मुश्तरक भी है फजीलत का भी है। इधर दोहर का वक्त हुआ, मेरिडियन से सन हटा, जवाल कहते हैं उसको, पहले चार मिनट जो होते हैं वो सिर्फ दोहर की नमाज, सिर्फ उस वक्त कोई और नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। बस इधर जोहर की नमाज का टाइम खत्म हुआ, जितनी टाइम लगता है पढ़ने में चार मिनट पांच मिनट आठ मिनट, इसके बाद जो वक्त है वो मगरिब तक, मगरिब से चार पांच मिनट पहले तक, सूरज के डूबने से चार पांच मिनट पहले तक मुश्तरक है, यानी कॉमन टाइम है बिटवीन जोहर एंड असर। जब बाकी पांच मिनट रहे सनसेट को, अब जो चार पांच मिनट है वो एक्सक्लूसिव टाइम है नमाज आसर का, उस वक्त जोहर नहीं पढ़ सकते आप। अगर आप लेट हो गए कामकाज में और साढ़े छह बजे सूरज डूबता है, 6:25 पर आप नमाज के लिए खड़े हो गए कि भाई अभी देर है पांच मिनट में पढ़ लूं, तो पहले आसर पढ़ेंगे फिर जोहर पढ़ेंगे, इसलिए कि वो टाइम मखसूस है आसर का, उसको अदा कर लो, इसके बाद जोहर अदा करोगे, समझ गए। फिर मगरिब का टाइम जब दाखिल हो, आफ्ताब जब डूब जाए और सियाही फैल कर आसमान से भी हट के निकल आए, मगरिब आ गया, लैल वअतिम सियाम इला लैल, अपने रोजों को रात में पूरा करो, इला मगरिब नहीं कहा है, इला गुरूब नहीं कहा, नमाज मगरिब पढ़ोगे उस वक्त सिवाय मगरिब के कोई नहीं पढ़ी जा सकती। चार मिनट पांच मिनट खत्म हो जाए, अब मुश्तरक है निसफुल लैल तक, रात की आधी रात तक, उस वक्त क्या होगा, मगरिब और ईशा पढ़ेंगे आधी रात से पांच मिनट पहले, ईशा का एक्सक्लूसिव टाइम है, इस तरह असर का था। अगर बीमार हो सफर से आए हो तो उस वक्त कजा होती है नमाज सुबह तक, नमाज पढ़ोगे बगैर नियत अदा और कजा, और अगर बीमार नहीं है कुछ भी नहीं तो सीधे 12 घंटे इस्तेमाल कीजिए, बिनिए जोहर से लेकर रात तक 12 घंटे में निसफ लैल है, अगर 1 बजे जोहर है तो रात के 1 बजे निसफ लैल है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी साथ, सल्ला रसूलुल्लाह जमअन साथ पढ़ी, बिला मतरिन वला खौफिन वला सफर, न कोई बारिश थी उस दिन, न कोई खौफ था, न कोई सफर, न कोई जंग, पढ़ी साथ। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को कहते हैं कि हमने कितनी मरतबा साथ पढ़ी, सही बुखारी और सही मुस्लिम से पढ़ता हूं मैं, वो किसी का भी सुनता और रोजे अरफा तो आज भी सब पढ़ते, आज भी अरफा के मैदान में सारे मुसलमान जोहर असर साथ पढ़ते हैं। मेरा एक ही सवाल है, अगर मैं आज यहां आया लंदन, तो मैंने कहा अफ्रीका से आया, तो अफ्रीका से भी आते हैं तो पता है, मालूम होता है कि एक नई दुनिया में आए, दिन में एक काम पूरा नहीं होता है, डिस्टेंसेस, मैंने कहा मर गया, ऐसा करता हूं घर से 11 बजे नमाज जोहर पढ़ के निकलूंगा एडवांस, ताकि शाम तक भी फिरता चलेगा, 4 बजे सुबह डूबता है विंटर में, 10 बजे में नमाज एडवांस तो पढ़ू चलेगा, काम बहुत है, कजा हो जाएगी बुल्ला साहब, इजाजत दीजिए मैं एक एडवांस में पढ़ दू, खुदा को क्या जाता है एडवांस में पढ़ दू, उसको तो मिलता ही है, बल्कि एडवांस मिलता है हो जाएगा किसी कीमत पर, किसी कीमत पर, यहां तक कि आदमी मरता हो तो भी कहेंगे नमाज उतरवाजी हुई नहीं है, किसी सर्कमस्टेंस में एडवांस प्रेयर हो सकती है नहीं हो सकती है। बंदा परवर मुसलमानों, अगर जोहर और आसर का टाइम साथ में नहीं होता है तो अराफात में कैसे हो गया, मालूम हुआ कि था, हमें रोका नहीं है अलग पढ़ने से, यह भी सुन लो, अलग पढ़ने से रोका नहीं है, मगर साथ पढ़ने में
एक फायदा यह है कि वो मुसलमान जो जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए दौड़ते हैं और असर गायब कर देते हैं, जुम्मा में सब मुसलमान इतना बड़ा खांजू, बगले की पांख की तरह सफेद चमक चमक इत्र लगाए हुए जुम्मा, पर जुम्मा के बाद तुम्हारी असर आएगी उसमें कितने हैं? असर में आधे भी नहीं होंगे। क्यों? इसीलिए कि नमाज जाया हो रही है। और हमारे यहां यह है कि मियां जितना भी काम जोहर पढ़ो और असर पढ़ो ताकि तुम्हारी नमाज बर्बाद ना हो जाए, लिहाजा बेहतर है कि जोहर और असर साथ पढ़े। इसीलिए इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने नमाज साथ में पढ़ी खुदावंद करीम उसके रिस्क की बरकत का जामिन। मगर यह अहले बैत की हदीस है, इसलिए दूसरों पर हुज्जत नहीं है, हमारे पर हुज्जत। सवाल यह है, हाथ खोल के पढ़ते हो, अदब कर रहे हो, बड़ा आदमी खुदा उसके सामने तो अदब कर लो, इसमें क्या बुरा? मेरा सवाल यह है कि मैं तैयार हूं अदब करने के, मुसलमानों इतना बताओ कि यूं करूं यूं करूं यूं करूं यूं करूं यूं करूं क्या करूं? अब तक मुसलमानों को यह मालूम नहीं हो सका है कि यह हाथ रहे तो कहां रहे, नाफ के नीचे के नाफ के ऊपर जी, इधर रहे या उधर रहे या इधर रहे या कहां रहे, क्या बात। रसूल अकरम ने हाथ खोल के नमाज पढ़ी, कभी बांधा नहीं, मुत्तफक अलैह। हजरत अबू बकर इब्न अबी कहाफा रजी अल्लाह अन्हु हाथ खोल के नमाज पढ़ी, हजरत उमर के खिलाफत के शुरू के जमाने में हाथ खोल के नमाज हुई, ये कहां से आ गया? कोई बता दे कि पैगंबर ने हाथ बांधा। अब जिन लोगों ने इबादियों को देखा, इबादी जंजिबार के बादशाह इबादी थे, खवारिज की एक खवारिज का फिरका, मुंबासे में एक मस्जिद थी इबादियों की, ये कौन है? ये वो है जिन्होंने जंग सिफीन में इमाम अली को छोड़ा और कहा कि आपको मुआविया के साथ सुलह करने का हक नहीं था, इसके बाद जंग नहरवान में लड़े हैं मौला के साथ, ये वो है, इसको कहते हैं खारजी। मगर इनमें एक फिरका है इबादी कहलाता है, ये अली इब्न अबी तालिब का दुश्मन है। एक जमाने में तो इतने दुश्मन थे कि संडास पर बैतुल खला में अली लिखते थे और जूतों के तलों में नीचे अली लिखते थे और मौला को लानतान करते थे, हालांकि अली के साथ रहे हैं। उनको जाके देखिए, बरसों तक अली की तरबियत में रहने के बाद आज भी जब नमाज पढ़ते हैं तो हाथ खोल के नमाज। इमाम मालिक मदीना के और मक्के मुजम्मा के हाथ खोल के नमाज, इसलिए कि पैगंबर ने कभी हाथ बांधे ही नहीं। मुत्तफक अलैह। मगर अगर अदब का सवाल है तो मैं चाहता हूं कि मैयत को ऐसी अदब करवाए हम कि वो हमेशा गिर जाता है खुदा के पास। नमाज वाला तो दो मिनट तीन मिनट खड़ा हो, मैयत जो जाता है हमेशा के लिए उसकी ऐसी अदब बांधनी चाहिए कि वो बस ऐसे अदब में ही जाए, और अगर बंद ना होता तो उसको खांबा से बांध देते। कोई बात है क्या है या अपनी तरफ से बोल रहे? अब रहा सजदा है, बुत परस्ती करते हैं। मैं एक बात कहूं, जरा सुनिए, किसी का सजदा करना और किसी पर सजदा करना कोई फर्क है या नहीं है? भाई किसी चीज पर सजदा करना और किसी का सजदा करना, इसमें कोई फर्क है या नहीं? भाई कितना सारा जुमला मैंने कहा है, समझ में आ रही है बादशाह साहब? अर्ज खिदमत यह है, किसी का सजदा करना और चीजें, किसी पर सजदा करना और चीजें। वो पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबा हबीब कुलूबिना व तबीब नुफूसिना मुनकिदना मिन अल-दलाल अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो थोड़ी बहुत चटाइयां होती थी वहां पर, चटाइयां खजूरी की, खजूर के लेफ खरमा खुरमा की, खजूर की पत्तियों की बनाई हुई पाम ट्रीज की, उसको हटाते थे पैगंबर सर की जान सर हटा के थोड़ी सी खाक जमा करके एक छोटा सा केला करते थे, बनाते थे और फिर सजदा उस पर करते थे।
और जब निकलते थे बाहर तो यहाँ पर मिट्टी का निशान होता था और फरमाते थे हमेशा लोगों सजदा करो तो मिट्टी पर करो कि खुदा को मिट्टी का सजदा पसंद है। ना मिले ऑल्टरनेटिव्स हैं वो फिता में है, जब तक मिल सके उस वक्त तक मिट्टी पे करो। ये पैगंबर अकरम ने किया। और जंग ओहद में हमजा की शहादत के बाद, हजरत हमजा की शहादत के बाद फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा भेजा करती थी किसी न किसी को, जाओ हमजा की कब्र से थोड़ी मिट्टी उठा के लाओ ताकि मैं सजदा उस पे करूं कि खाके शहीद इस्लाम है सैयद शुहदा की कब्र। मगर खाक खाक, ठीक। अब हम क्या करें? किसने कहा है कि खाक के करबला के सिवा किसी खाक पर सजदा हो नहीं सकते? किसी ने कहा? लंदन में अगर किसी साहब को आता हो, ये इंडस्ट्री बताता हूं मुफ्त बताता हूं, अगर किसी साहब को आता हो कि कैसे मोहर बनाते हैं जी, तो लंदन की खाक का बनाए तो क्या हम सजदा नहीं करेंगे? हैं? नहीं करेंगे? खाक बना दे। तेहरान से नहीं आते सिद्धा का, ईरान से भी आते, बहुत जवार ले आते, लोकल बनाते। हम चाहते हैं खाक इसलिए कि वो औला है और करबला की खाक सबसे औला है। बस ये करबला की खाक सबसे औला है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईरानियन ऑक्यूपेशन के जमाने की बात है, जबकि ईरान के साथ गुफ्तगू, जब उन्होंने सफविद डायनेस्टी को तोड़ के काजार डायनेस्टी को खड़ा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया वो फिर कभी। मगर उस वक्त के उलमा जो थे वहां, उसके मुतालिक बहुत से हिस्टोरियंस और क्रॉनिकलर्स ऑफ द वेस्ट ने किताबें लिखी अपने अपने शहरनामे, हमने क्या देखा ईरान। एक लिखता है कि मैं जब पहुंचा हूं वहां पर तो मैंने देखा कि एक आदमी आया हिंदुस्तान से, वो दावा करता था कि कोई भी छुपी हुई चीज हो मुझे बता दो, कहो पूछ लो मैं बता दूंगा क्या है, छुपा लो, गुम हुई चीज हो पूछ लो बता दूंगा, वक्त देखूंगा कहूंगा कहां है। और इतना मशहूर हो गया वो कि लोग दीवाने हो गए। वो तो सीधी सी बात है, अगर यहां भी एक आदमी अभी खड़ा हो जाए, ऐसी मरीजों में मेहनत से पढ़ रहा हूं उसमें भी, कि मैं आपकी गुमशुदा चीजों को बताऊं तो सब भाग जाएंगे, मेरी बताओ कहां है। इसलिए कि हर एक चाहता है कि खोई हुई चीज मिल जाए या कम से कम मालूम कर ले कि मिलेगी या ना मिलेगी। तो दोस्तों वो लिखता है कि उसने दावा करते करते वो एक आलिम दीन मुज्तहिद के पास पहुंच गया। शेख अली अकबर नाहवंदी ने इसको अपनी किताब में लिखा है और उलमा बैठे हैं और बादशाह भी बैठा है, और इसने दावा किया, लोगों ने पूछना शुरू किया, ये बताता जा रहा है। इस मुज्तहिद ने एक मर्तबा अपने हाथ में एक चीज रखी और कहा ठीक है बता क्या है, अब क्या है बता। उसने जवाब में कहा ठहरो मैं सोचता हूं। सोचते सोचते पसीना आ गया उसको, तो ये मुज्तहिद ने कहा क्यों समझ में बात नहीं आ रही? कहा समझ में तो आ गई क्या है, मगर समझ में यह नहीं आ रहा कि आपके हाथ में कैसे आ गई, क्या है वो मैं समझ गया हूं, आपके पास पहुंची कैसे? कहा क्यों? कहा जन्नत की खाक है, बैकुंठ की खाक है। बैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को, जन्नत को, बैकुंठ की खाक है। बैकुंठ की खाक मरने से पहले कैसे आ गई? खोला तो करबला की खाक थी। ये दूसरे एक मुज्तहिद के बेटे की आदत थी जेब में मोहर रखता था खाके करबला, वो टेबलेट पूरी। इसके बाद जब बैठता था तो कभी बैठते बैठते तोड़ देता था, टूट जाती है, मगर हमेशा टूटती है उसकी, इसलिए कि वो जेब में रखता है, बैठता है तो टूट जाती है, और फिक्र नहीं कर टूट गई फेंक दी दूसरी तरफ। रात को पैगंबर अकरम को ख्वाब में देखा इमाम हुसैन के साथ, देखा कि मेरे बाप को भी लेके आए, वो आलिम कहते हैं मेरे बाप को भी लेके आए और मैं भी आया,
मेरे बाप को इमाम हुसैन ने भी, पैगंबर अकरम ने भी तकरीम से हाथ दिया। जब मेरी बारी आई तो इमाम हुसैन ने हाथ तो दिया मगर चेहरा झुकाया। तो मेरे बाप ने पूछा, मौला इस बेटे की कोई खता है? जवाब में कहा, खता कोई नहीं, बस इतना है कि सजदगा है करबला की कोई हुरमत नहीं रखता, तोड़ता है और फेंक देता। इसे मालूम है क्या है? ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب, जो अल्लाह की निशानियों को अल्लाह तक पहुंचने वाली निशानियों की इज्जत रखता है वो तकवाए दिल है, तकवाए कुलूब। हमने वो कौन सा गुनाह किया? तो अगर मिट्टी पर सजदा करना शिर्क है तो चटाई पर सजदा करना भी शिर्क। ये क्या फलसफा है कि आप कहते हैं कि ये लोग मिट्टी का सजदा करते हैं, मिट्टी का सजदा नहीं करते हैं, मिट्टी पर सजदा करते हैं, इसलिए कि पैगंबर ने किया। अब इन पर एतराज बहुत से हैं, खत्म हो रहा है वक्त मेरा। एक एतराज ये है कि ये रोते हैं, धोते हैं, मैयत के ऊपर रोने से पैगंबर ने रोका है। हदीस पढ़ता हूं, अहले सुन्नत वल जमात, एक शख्स मुसलमान मर गया, उसकी बीवी और बच्चे रोने लगे। जब रोने लगे तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर यानी उमर का बेटा वहां से गुजरा, उसने कहा इनको रोने से रोको कि मैंने इन कानों से पैगंबर को कहते सुना है कि जब कोई मैयत पर रोता है तो मैयत पर अजाब बढ़ जाता है। सुनिएगा, ये सुनिएगा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने ये रिवायत होते होते हजरत आयशा तक पहुंची। आयशा बिनत अबी बकर पैगंबर की बीवी है भाई, और हजरत आयशा का कंट्रीब्यूशन अहले सुन्नत वल जमात के कुतुब हदीस में सब्सटेंशियल है। फरमाने लगी, अब्दुल्लाह इब्ने उमर को खुदा बख्शे कि हदीस आधी बयान की, ये गलत है, ऐसा पैगंबर ने नहीं कहा। बात ये थी कि यहूदी मरा था एक और उसके बच्चे रो रहे थे, और पैगंबर ने कहा कि यहूदी के बच्चे रो रहे हैं और यहूदी पर अजाब हो रहा है, मुसलमानों पर रोने के लिए पैगंबर ने ऐसा नहीं कहा। तो यूसुफ के गम में याकूब रोए और कुरान कहे फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, सब्र और बहुत अच्छा सब्र, रो रहे हत्ता बिग़दत ऐना, यहां इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। और हजरत हमजा की शहादत पर पैगंबर रोए नहीं, बल्कि जब वापस पहुंचे हैं मदीना तो शहर के सारे लोगों ने अपने अपने शुहदा के ऊपर गम किया, तो उस वक्त पैगंबर ने फरमाया वलाकिन्नल हमजा ला बवाकिया, हमजा पर रोने वाली कोई नहीं है। तब मदीने की औरतें जमा हुई और कहा पैगंबर फरमाते हमजा पर रोने वाली कोई नहीं, सब ने जमा होकर गम किया और रोई हमजा के लिए। पैगंबर ने फरमाया खुदा तुम पर रहम करे कि तुमने हमें दिलासा दिया। मुत्तफक अलैह, सब ने लिखा है मुसलमानों ने। तो हमजा की आजादारी सुन्नत रसूल, मुसलमानों अपने अपने गम करें सुन्नत। हुसैन इब्न अली का नाम आया और रोए बिदअत, समझ रहे हैं आप? मुझे कहने दीजिए, खत्म होते होते ये बात क्या है। चोर के दिल में तिनका होता है भाई, चोर के मन में तिनका होता है, कहना पड़ता है। मालूम ना होता कि क्या मसलहत है कि हुसैन की अजा को रोक ही रहे, न मिले शिया कहीं। यहां तक अब लखनऊ में क्या नाम था, एक मौलवी साहब गायब अब्दुल अजीज नाम, वो छोटी छोटी बस्तियों में जाके खड़े होके कहता था ताबूत न बनाओ, अहले सुन्नत ताबूत बनाते। एक जमाना हिंदू ताबूत बनाते, अपने घरों से जुलूस निकालते थे, गम मनाते थे, ये खड़े होकर कहते था गम ना मनाओ,
ताबूत न बनाओ। एक जगह पे एक औरत अहले सुन्नत की पर्दे में बैठी अपने घर के सामने एक छोटा ताबूत, का मतलब इतना मुफस्सल ताबूत भी नहीं भाई, आप तो समझिए कि इतने खर्च करके क्या, वो गरीब बिचारी वो तो मिट्टी थोड़ी बहुत इधर उधर लेप करके गुंबद बना के उसी को कहती थी ताबूत, और क्या उसी को ताजिया के, कोई ऐसी जगह नहीं कि भाई सोने का और हीरे का और जवाहर का बनाए, वो मिट्टी थोड़ी इधर थाप थूप के वो बनाती थी और कहती थी कि ये है मेरे मौला की शबी ताबूत की, और वहीं पर बैठ के वो गम बनाती थी, ये है उसको कहते थे ताजिया, और कोई चीज वहां थी नहीं, इसको तोड़ो। एक खातून वहां बैठी थी, वो खड़ी हुई भरे मजमे में, कहा मौली साहब इस ताबूत के वसीले से मैंने मांगा जो मालिक से, तो एक बच्चा दे दिया मुझे 20 साल के बाद, तू बता तू कितना देगा, तू कितना देगा, या कोई और बता जो दिलवा ले, इस मालिक ने दिया है, अब इस बारे में कह। तो मिंबर पर से उतर के भागे, खत्म होगी बात, एतकाद की बात, मगर आप देखा कि ये बंद नहीं हो रहा, तो क्या किया, अरे हमारे ईस्ट अफ्रीका में लोगों ने नहीं देखा, नहीं देखा जंजीबार में और मुंबासे में, नहीं देखा हिंदू अपने छोटे छोटे बच्चों को जुलजनाह के नीचे से गुजारते हुए नहीं देखा, श्रीफल इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को जुलजनाह के नीचे से गुजारते हुए नहीं देखा, श्रीफल और नारियल ले आकर वहां फोड़ते हुए नहीं देखा, संत हुसैन को सलाम करते हुए नहीं देखा, देखा है ना, तो दोस्तों ये बंद होने वाला था नहीं, तो अब एक ऐसा फतवा जारी कर दिया इन्होंने कि जिससे हर एक घबराता है, क्या तुमने अगर जुलूस को देखा तुम्हारी बीवी तुम पर हराम, निकाह बातें, अब सब घबरा गए, या अल्लाह अब ये बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, फतवा आ गया कि इधर तुमने जुलूस को देखा और बीवी तुम पर हराम, निकाह तुम्हारा बातें, अब क्या करें, बीवी संभाले कि जुलूस देखे, ये शुरू कर दिया उन्होंने, क्यों ना मालूम होता, ना मालूम, मगर अब मैं पढ़ता हूं इमाम गजाली जी अहले सुन्नत वल जमा इहया उलूमुद्दीन मशहूर किताब लिखते हैं, यहरुमु अला दाकिर, हराम है दाकिर पर, ذکر الحسین علیہ السلام فوق المنابر, منبروں کے پر بیٹھ کر ذکر حسین کرنا حرام ہے, لانه يجر الى ذم الصحابہ, اس لیے کہ ہوتے ہوتے یہ کنیکشن جو ہے یزید سے معاویہ, معاویہ سے عثمان, اور عثمان سے فلان اور فلان اور فلان, یہ صحابہ تک پہنچ جاتی ہے مذمت, اس مذمت کو روکنے کے لیے حسین کا ذکر بند کر, صاف لکھا ہے لانه يجر الى ذم الصحابہ, इसलिए कि ये सहाबा की मजम्मत और सहाबा के खिलाफ डेरोगेटरी बातों तक ले जाता है, क्यों, इसलिए कि पूछते हैं लोग यजीद कहां से आया, मुआविया का बेटा, मुआविया कहां से आया, अबू सुफयान का बेटा, कैसे मुकर्रर हुआ, उस्मान के जमाने में हुआ, अली के बाद हुआ, किसने कहा उसकी एनकरेजमेंट की, किसने उसको पहला गवर्नर शाम कब बनाया, और जिसने बनाया वो खुद कहां से आया, सकीफा कब बना, यूं होते होते बात दूर तक पहुंचती है, हुसैन की एक शहादत ने पर्दा उठा दिया और बेनकाब कर दिया, लिहाजा रोको। मुख्तसर यह है मेरे दोस्तों कि मैं एक अदना से अदना जाकिर सैयद शुहदा भी इस मौके पर बोल न सकता अगर हुसैन इब्न अली की कुर्बानी ना होती, मौका ही कहां होता, बांगे दोहल कहता आके देख लीजिए वो कौन सा गुनाह है हमारा, बल्कि हमारा दावा यह है कि अगर हम चाहें तो पर खच्चे उड़ा दें, हम चाहें तो चीखड़े आपके उड़ा दें, हम चाहें तो आपको मुनकशिफ कर दें कि आप क्या हैं, ना आपकी तौहीद सही ना आपकी नबूवत सही, मगर हम खामोश हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह आपने कह दिया है
चलिए हम हाथ बढ़ाते हैं मगर ऑन पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ नॉट ऑन वीकनेस। वरना हम बता दें कि आर्य समाज ही अहले सुन्नत की तौहीद से बेहतर तौहीद रखता है, साबित करो मिंबर पर। आर्य समाज के यहां खुदा निरंजन निराकार है, निरंजन निराकार, मूर्ति खंडन है। अहले सुन्नत क्या खुदा के पैर भी हैं और हाथ भी हैं और कयामत दिन आएगा भी आंख एक फूटी हुई होगी और हर शबे जुमा को दुनिया के आसमान पर आता है वो। और बहुत से अहले सुन्नत को समझाया गया था कि अपने छत के ऊपर घास डालो इसलिए खुदा का गधा आता है वहां, खुदा अपने गधे पर आता है, उस गधे को घास की जरूरत पड़ेगी। मैं किताबों से पढ़ रहा हूं, नॉवेल से नहीं, ये नॉवेल नहीं है। जिनका खुदा गधे पर बैठकर जुमेरात को आता हो उनके खुदा से आर्य समाज का निरंजन निराकार खुदा बेहतर है कि नहीं? फिर भी हम खामोश हैं। तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे भाई हमको कहते हो ताजुब है और हम हैं कि जो मिटे जा रहे हैं। मौला साहब अब आप बंद कीजिए। क्या बंद करूं, मैं बंद करूं, अपने ईमान बेचूं, मुजरई अपनी हवा खाऊं सुलेमान होकर, गैर की मदह करूं शेख का सनाखा होकर, मुजरई अपनी हवा खाऊं सुलेमान होकर, मैं अपने ईमान को बेचूं? ला हौल वला कुव्वत, या तो मुझ में अक्ल है या अक्ल नहीं है, मगर अगर मैं अपने भाइयों को न बताऊं कि हम बिल्कुल अकीदे के हिसाब से स्ट्रेंथ पर हैं और हमारे यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो बनाई गई हो मनगढ़ंत हो, कुरान पर हमारा अकीदा है, वक्त नहीं है वरना बताता मैं। मैंने किताब लिखी है आयतुल्लाह खोई की, दो चैप्टर का तर्जुमा किया है मैंने, कोई खरीदता है तो पढ़ता नहीं और कोई किसी को खबर भी नहीं, और मुझे तो खरीदने की फिक्र भी नहीं, मैंने पैसे बनाने के लिए नहीं लिखी है। और जो भी पैसा आता है वो स्टैंड मोर के प्रोजेक्ट में जाता है या किसी और प्रोजेक्ट जाता है, मेरे जेब में नहीं जाता है, मैंने कोई रॉयल्टी रखी नहीं। मगर इसलिए मैंने लिखी वो किताब तर्जुमा किया ताकि मैं मुसलमानों को बता दूं कि हमसे ज्यादा तुमने क्या लिखा है, मगर फिर भी तुम्हारा और हमारा सबका अकीदा यही है कि कुरान यही है यही है यही है, इसके सिवा कोई नहीं, इसमें एक हर्फ बढ़ा नहीं एक हर्फ घटा नहीं, यही फर्क इतना है कि पारों में जुज़ और सिफारों जैसे कहते हैं उसमें इसकी तस्हीफ की है हजरत उस्मान ने। बाकी कुरान उस्मान का नहीं था, ना ज़ैद इब्न साबित अंसारी का था, ना हजरत अबू बकर का, ना हजरत उमर का, ना हजरत अली का, कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफा पर उतरा है। क्यों खामखा हम पर एतराज करते हो कि तुम कुरान में नहीं मानते? हमारी फिकह कुरान पर, हमारा अकीदा कुरान पर, हमारे मुश्तहदीन कुरान पढ़ के समझ कर फतवा देते हैं और फिर आप कहते हैं तो क्या हमारा कुरान क्या? अब लोगों ने लिखा है तो लोगों ने तो बहुत कुछ लिखा है। रिमेंबर ये मैंने कहा कि ये स्कॉलेस्टिक ट्रीटमेंट दे रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर लिखने वाले की हर एक बात के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए कि लिखने वाले तो बहुत लिख जाता है, लिखने वाले के बाद देखना पड़ता है कि ये हदीस सही है, इसके रावी सही हैं, इसके रिजाल ठीक हैं, ठीक लिखा है, ये अकीदा है इस्लामी है कुरान के मुताबिक है या नहीं है, ये देखना पड़ता है। इसीलिए तो आदमी मुज्तहिद बनता है। वो लोग कहते हैं बोले साहब तो कभी कभी जब मैं आंख दिखाता हूं नहीं हूं तो किसकी तकलीद करता है? आपकी। वो कहता है आपकी। अब मुल्ला भी खुश हो जाए बेचारा, तो उसकी कोई तकलीफ तो करता है। अरे मुल्ला मुज्तहिद की खाके पा भी नहीं है। इज्तिहाद बहुत बुलंद चीज है, बहुत बुलंद चीज है। मेहनत करते करते तकवा और परहेजगारी की मंजिल में निकलते निकलते उस मंजिल तक पहुंचते हैं दोस्तों, कुरान के साये में मुज्तहिद बनते हैं, हदीस के साये में मुज्तहिद बनते हैं। यूं ही बैठे बैठे मुझसे बनते होते तो क्या खून का कोई फैक्ट्री है? तो जिस कुरान पर भरोसा रख के
उस कुरान से इस्तिंबात करके लोगों को समझाना कि दीन क्या है, उसके लिए आप कहते हैं कि आपका कुरान और, तो हमारा कुरान कहां से आए? पढ़िए किताबों को जरा खुदा के वास्ते। तो आपके यहां भी यही है, आपके यहां तो इससे बदतर है जिसको मैंने उसमें जमा किया, मगर फिर भी मैंने लिखा नहीं है कि आप इस कुरान पर भरोसा नहीं रखते। मैंने यह लिखा है कि आगे खुद फरमाते हैं कि तुम्हारे यहां भी लिखने वालों ने गलती की है, हमारे यहां भी चंद लिखने वालों ने गलती की है, तुम्हारे यहां ज्यादा है, हमारे यहां बहुत कम है, दोनों झूठे हैं, कुरान यही है, यही है, यही है और कोई। मैंने लिखा है इसको, आगे खुई का तर्जुमा किया है मैंने किताब का, अल बयान फी तफसीर कुरान, अंग्रेजी में लिखा ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। और शुक्र करता हूं खुदा का, ऐसी ऐसी जगह किताब पहुंचा दी मैंने जहां से खत आए हैं कि भाई आपका खिताब किताब वक्त पर पहुंची आपकी किताब। क्यों? इसलिए कि वहां से प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शियों को कुरान से कोई रिश्ता नहीं, और यहां आपकी किताब जो आ गई, जिसने देखा मुंह बंद हो गया। कोई पढ़े तो सही, मगर कोई पढ़े ताकि हम अपनी पोजिशन पर रहे, कोई एतराज करे तो समझाए उसको, मियां ये खेलने की चीज नहीं है, ये हमारा अकीदा जो है कान बुनियाद मरसूस, एक ऐसे ठोस बुनियाद पर अकीदा है जिसको शीशा पिला दिया गया हो कि वो हट नहीं सकता है दोस्त, और इस पर हमें फख्र है, फख्र। करबला हुसैन इब्न अली और हुसैन का लुटा हुआ वो काफिला अब जा रहा है दोस्त। दो बातें मसाइब की पढ़ता हूं मैं बाबी शब को, बस वो जरूर पढ़ता हूं, और वो गम के एहसासात को उजागर करने के लिए और बेदार करने के लिए काफी है। एक जब 11वीं मुहर्रम आई और इब्ने साद के लश्करियों ने आवाज दी अर्रहील अर्रहील, अब सफर है, सफर है, काफला जा रहा है, तो जो सवारी के ऊंट मुहैया किए गए उस पर ना कजावा था ना पर्दे थे, ऊंट पर हर एक बीवी को बिठाया गया है, एक बीवी के हाथ में एक बच्चा, जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम एहतिमाम कर रही हैं, लुटा हुआ काफिला है, तबर्रुकात भी लुट चुके हैं, कुछ भी नहीं हाथ में। जब सारी मुखदरात इस वक्त तहारत को बिठला चुकी जनाब ज़ैनब, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को दुश्मनों ने बिठाया है। खुद बयान करते हैं मौला के जब मुझे बिठाया बीमारी का आलम था, मेरे पैरों में बेड़ियां बांधी गई, और मेरे पैरों में जब बेड़ियां बांधी गई उन बेड़ियों को फिर ऊंट के पेट से बांधा गया, तो बेड़ियों में जो लोहे का हिस्सा होता था वो मेरे पैर से इस तरह से चिपक के रहा, जब गर्मी बढ़ती थी तो लोहा तपता था, और जब लोहा तपता था तो पैरों में जख्म पैदा हो जाता था, मगर कुछ कह नहीं सकता। जब सब बैठ गए जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बारी आई, अब जबकि सवारी के पास पहुंची तो जनाब ज़ैनब ने एक बात कही है, भैया अब्बास फरजंद अली अकबर कल मदीने से हम चले थे तो कोई हाथ संभाले हुए सवार कर रहा था हुसैन, आइयो देखियो ज़ैनब सवार हो रही है और कोई सवार करने वाला नहीं। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अब काफिला चलने को है। बस दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि जब बेड़ियां पहना चुके जनाब अलैहिस्सलाम को, तो एक तौक ले आए। बस इस तौक की मुसीबत जो मैं पढ़ता हूं, तारीख की मुबैना चीज है, इस तौक के मुतालिक सुनिए और रोइए और खत्म, इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक तौक लाए, तौक इतना भारी को इम्तिहान। जब यजीद मदीना जाने के लिए इमाम को कह रहा था साल भर की कैद के बाद, यजीद ने जब चाह के अब अहले बैत वापस जाए मदीना कैद से रिहा होकर, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन वहां आए तो तौक अभी तक गले में था साल भर के बाद। यजीद जब देखा और कहा अली ये तौक कब से है, तो कहा 11वीं मुहर्रम से है। अरे
इसको खोल नहीं सकते, तो खुद यजीद खड़ा हुआ और पूरे तौक को देखा, कहीं पर भी कोई जगह न थी जहां से ये खोली जा सकती। रिवायत में आपको मिलेगा तारीख में आहंगर को बुलाया गया, यानी लोहार को बुलाया गया कि वो आके उसको तोड़े। क्या था? अब मैं कहता हूं सुनिए, इमाम फरमाते हैं कि तौक ले आए भारी, तौक के अंदर हमेशा कांटे बाहर को होते हैं, इसमें कांटे अंदर को थे। कांटे अंदर को थे और आए मेरे शियो, वो तौक मेरे सर पे रखा और इसके बाद जब उतारा है तो उन कांटों ने मेरे चेहरे को जख्मी किया, इतना खून निकला है मुझे और आके गले में चिपक गया। साल भर तक वो कांटे मौला को परेशान करते रहे, इतना सब्र किया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम।